So we have very first question बेटे जो है हमारा we are discussing NCERT exercise बेटा first part है कंठा ध्यान दीजिएगा सब हाँ बेटा अभी कुछ नहीं कर रहे मैं first part में तो क्लास लगा रहा हूँ वी हैव और इसके बाद आता हूं लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो एंड रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क और नॉट। कुछ एक्टिविटीज उन्होंने आपको सजेस्ट की हुई हैं, आपको ये बताना है कि उन एक्टिविटीज में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। फर्स्ट इज बेटा सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। बेटा कोई बच्चे का नाम लिखा हुआ है एंड दैट चाइल्ड इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड बिकॉज जब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन स्विमिंग में इन्वॉल्व होगा मे बी ए चाइल्ड मे बी एनी अदर पर्टिकुलर पर्सन हिज पोजिशन इज चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। बेटा एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वी से दैट यस वर्क is done in this case. This is the first part we are having with us. Second is a donkey is carrying a load on his back. Beta, a donkey carrying load on his back. In this case, beta, we say that when the force applied is in the vertically upward direction, but the distance covered is along the horizontal. Then this angle becomes 90 degree and work done will be FS cos 90. In this case, beta, work will not be done. Then third है a windmill is lifting water from a well. बेटा एक windmill है well से पानी को निकालने के लिए आप windmill को use कर रहे हो तो उस केस में बेटा जब आप देखोगे अगेन विंडमिल ये इमेजिन कर लीजिएगा वेल है वेल में से पानी को लिफ्ट करने के लिए मे बी आपके पास एक बकेट ही है पानी की इसको जब आप लिफ्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ द रोप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो यस सो इन दिस केस वर्क इज बेटा डन। So we say that work is done in this case. Then इसके बाद बेटी हमारे पास बात है फोर्थ है ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग बेटा फोटोसिंथेसिस। बेटे जब ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस हाँ धीरेन बोलो बोलो बेटा धीरेन सर जो सी पार्ट का एंगल क्या होगा थीटा का क्या 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 मैम उसमें सर जो थर्ड पार्ट है उसमें थीटा का एंगल क्या होगा क्योंकि वो भी तो 180 परपेंडिकुलर ही है ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये डाउनवर्ड है आपने फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है। इस केस में बेटा आपका जो फोर्स अप्लाइड है और आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज बेटे पॉजिटिव। वर्क डन बाय द पर्सन और बाय द विंडमिल इन दिस केस विल बी टेकन एज पॉजिटिव बेटा और बिकॉज विंडमिल ने फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है दैट्स व्हाई वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अगर आपको वर्क डन बाय द ग्रेविटी देखना होगा देन दैट विल बिकम बेटा नेगेटिव राइट बेटे। डी पार्ट है ए ग्रीन प्लांट कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कोई भी चेंज इन द पोजीशन नोटिस नहीं किया जाता है एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यस बेटे वर्क डन विल बी जीरो या नो वर्क डन विल बी देयर। एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है बेटा दिस इज योर ई पार्ट। ई पार्ट में जब इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ द पुल इंजन जो है ये
ट्रेन को मूव करवा रहा है, वर्क डन विल बी एफ एस कॉस ऑफ एंगल जीरो एंड एफ एस पॉजिटिव वर्क विल बी डन बाय द इंजन. देन फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन. तो गेटिंग ड्राइड इन द सन, इसमें अगेन कोई भी वर्क जो है वो नहीं हो रहा है, नो वर्क इज बीइंग डन. जी पार्ट, इसमें ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू द विंड एनर्जी. बच्चों सेल बोट जब मूव कर जाएगा विंड एनर्जी की वजह से, इमेजिन कर लीजिए ये पानी का सरफेस है, ये बोट है, इसकी सेलिंग के लिए यहाँ पे बेटे जो है ये इस तरीके के लगे होते हैं सेल करने के लिए, और जब विंड यहाँ पे आके फॉल करेगा तो आपका जो ये वाला बोट है इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. एंड व्हेन इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये विंड की वजह से फोर्स अप्लाइड है, डिस्टेंस कवर्ड भी उसी डायरेक्शन में है, और यू कैन से दैट इन दिस केस पॉजिटिव वर्क इज बीइंग डन और द वर्क इज बीइंग डन इन दिस केस बेटा. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास बेटे जो उन्होंने एक्टिविटीज दिए हुए थे, आपको बताना था कि इनमें वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज अबाउट द वर्क डन बेटा. देन सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू इज एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सम एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड. इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. वट इज द वर्क डन बाई द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट बेटा. ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट है दैट इज बेटे नीडिड. आप एक पर्टिकुलर चीज को किसी ऑब्जेक्ट को बेटा थ्रो कर रहे हो और आपको वर्क डन जो है उस केस में निकालना है. यस बिल्कुल ठीक कहा आपने. ये आपने अपना ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का नाम उन्होंने दिया हुआ था आई थिंक, कोई नहीं दिया, ऑब्जेक्ट ही लिखा है. ऑब्जेक्ट को बेटा वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है. ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाने के बाद वापस उसी लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर आकर गिर जाता है बिकॉज नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है. इस केस में वर्क डन विल बी बेटा जीरो. नेट डिस्टेंस कवर्ड, नेट डिस्प्लेसमेंट रादर जो है दैट इज जीरो, और वी विल से दैट इन दिस केस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो. तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, डियर चिल्ड्रन इट इज ए बैटरी लाइट्स ए बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस विद इट. एक बैटरी जो है ये बल्ब जला रही है, बैटरी में या सेल में केमिकल एनर्जी जो है ये होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये लाइट एनर्जी में बदल रही है बिकॉज बल्ब आपका जो है ये लाइट हो रहा है बेटा. सो इन दिस वे आप एनर्जी चेंजेस जो आपकी इस केस में आ रही हैं, इन एनर्जी चेंजेस को इंडिकेट कर सकते हो बेटा. इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन लेट अस प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर विद अस, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये. मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, आप ध्यान से अपना कॉपी पेन उठाइएगा, साथ साथ करिएगा. सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए 20 ग्राम मास. कोई फोर्स 20 ग्राम मास पे बेटे लग रही है, और ये जो फोर्स है व्हाट इट इज डूइंग बेटा, इट इज चेंजिंग द वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड. अगेन द मास ऑफ द बॉडी और द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 ग्राम एंड इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड. इनिशियल वेलोसिटी
5 meter per second, final velocity 2 meter per second आपको दे रखा है. Calculate the work done by the force. आपको जो work done by the force है ये calculate करके दिखाना है. तो dear children, हमने बात की थी कि हमारा work energy theorem के accordingly work done is equal to change in the kinetic energy. So we will say that work done, this is equal to the change in kinetic energy. And over here, work done W will be equal to 1/2 of mv square minus 1/2 of mu square, and this is equal to 1/2 of m. It can be taken v square minus u square can be adjusted as such. So in this way, work done is 1/2. Mass 20 ग्राम है, इसके किलोग्राम बनाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना. Final velocity 2 है, it is 2 square. Initial velocity 5, इसका complete square कर देंगे आप. 20 ग्राम के किलोग्राम बनाए हैं, that's why we are dividing the rain. So in this case, W work done calculate करने पे आपके पास आ जाएगा, this is equal to 1/2 of, ये एक zero getting cancelled, 2 divided by 100 कर लेते हैं, 2 का square 4, 5 का square 25, it will be there. So we must be having, एक मिनट बेटे वेट करिए धीरे, 1/100 and minus 21. So ये आपके पास बेटे, अच्छा 20 किलोग्राम है दिया हुआ, कोई बात नहीं, फिर आपका 1000 नहीं आएगा, अगर है तो -0.21 जूल्स के बराबर आ जाएगा. धीरेन बेटा, धीरेन धीरेन अभी यहां पे था, कहां चला गया? धीरेन रेज योर हैंड. हां बोलिए धीरेन. सर मैं ये कह रहा था 20 kg, 20 ग्राम नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, अगर किलोग्राम है तो यहाँ पे आपकी ये तीन जीरोस नहीं आएगी, तो वी विल मैनेज एज सच, जो भी आपका आंसर आ जाएगा ठीक है. धीरेन. यस सर. बेटे साहिल ढींगरा अपनी क्लास में है कोई? यस सर. ये लेट क्यों आ रहे हैं बच्चे, फिर कल कोई और ही आई डी से कोई आ गया था. रोल नंबर 5, यू आर अनम्यूटेड. सर जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमने लिखे केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी, सर हीट एनर्जी भी तो आएगा? नहीं, हीट बेटे बल्ब में इतना ज्यादा नहीं होता, आपने लिखना है तो लिख लो, नो प्रॉब्लम, वैसे कोई इतना ज्यादा जरूरत है नहीं है, लिख सकते हो आप, गलत नहीं करेंगे. रोल नंबर 34, बोलिए जी. सर जूल नेगेटिव में हो सकते हैं? थर्ड में नेगेटिव में हो सकते हैं? बेटे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया. सर जो जूल्स है, यूनिट जो जूल्स होती है, वो नेगेटिव में हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बेटे, अगर वर्क डन नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव में अपने आप आ जाएगा, राइट. चलिए आगे चलते हैं बेटे. देन वी हैव फर्दर विद अस नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है. इट इज ए मास ऑफ 10 किलोग्राम इज एट पॉइंट ए ऑन ए टेबल, इट इज मूव टू एन अदर पॉइंट बी, इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, what is the work done object, work done on the object by the gravitational force, explain your answer. Gravitational force kitna work karegi is object pe, ye nikalna hai. Let me explain the same to you. Horizontal surface aapko ek diya hua hai, yahan pe aapne ek object rakha a point par, a mass of 10 kilogram is placed at this point.
ये 10 किलोग्राम का मास यहाँ पे रखा गया है एंड इट इज मूव टू अनदर पॉइंट बी। इसको यहाँ से शिफ्ट करके आप ये बी पॉइंट पे ले गए हैं, दिस इज पॉइंट बी, और आपको कहा गया है कि व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करना है, डिस्टेंस आपका इस तरफ कवर हो रहा है, वर्क डन विल बी एफ एस कॉस 90 एंड वर्क डन विल बी ऑब्वियसली जीरो, नो वर्क विल बी डन। यस बेटे बिल्कुल ठीक है। सो आइए आगे चलें देन बेटे। इसके बाद हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायोलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने लास्ट टाइम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बच्चों कंप्लीट किया था, उसमें हमने कहा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका टॉप से डाउनवर्ड आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतनी वो काइनेटिक एनर्जी गेन भी कर रहा है। सो यू कैन से दैट बेटे देयर इज नो वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो वायोलेट नहीं हुआ है। देन सेवंथ क्वेश्चन आइए चेक करें क्या है। सेवंथ है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट अकर When you are riding a bicycle, आप bicycle ride कर रहे हो, energy changes कौन कौन सी आ रही हैं? तो आप अपनी जो muscular energy है इसको बेटा kinetic energy जो है इसमें बदल रहे हो। So this is the possible energy transformation taking place when you are riding the bicycle. आपके मसल्स में जो एनर्जी स्टोर्ड है आप उसको यूज कर रहे हो बाईसाइकिल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, सो इट विल बी कन्वर्टेड इन दिस मैनर। प्रॉब्लम नंबर 8, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश ए ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर इज दिस एनर्जी यू स्पेंड, वट इज दिस एनर्जी, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। आप एक बहुत बड़ी रॉक को बेटे जो है उसको आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो और वो मूव नहीं कर रही है, तो वो एनर्जी जो है कहाँ पे स्टोर हो रही है और किस फॉर्म में बदल रही है आपको ये सारे का सारा जो है ये बताना है। सो डियर चिल्ड्रन, जब आपने ह्यूज रॉक को पुश किया, रॉक मूव ही नहीं की, टेक्निकली इन द टर्म्स ऑफ साइंस आपका वर्क डन जीरो है, लेकिन वर्क डन जीरो का मतलब ये नहीं कि हम एनर्जी स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हो और वो जो एनर्जी है आपकी वो रॉक की कॉन्फ़िगरेशन में एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी और रॉक को डिफॉर्म हो जाना चाहिए, लेकिन रॉक तो डिफॉर्म हो नहीं रहा है। फिर क्या होता है कि जो एनर्जी आपने बेटे अप्लाई की है रॉक के ऊपर बिकॉज रॉक मूव नहीं किया, वही एनर्जी जो है हमारे मसल्स अंडर स्ट्रेन आ जाएंगे और हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में हम जो है वो दैट विल बी वेस्टेड बेटा। सो इन दिस वे आप इसको बिकॉज ऑफ द नो मूवमेंट ऑफ द रॉक इस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर से देखिएगा ध्यान से बेटा, आपने रॉक को पुश किया, रॉक मूव नहीं की, आपका वर्क डन जीरो, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, रॉक चाहे मूव नहीं कर रहा पुश कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आप जितनी एनर्जी से रॉक को पुश कर रहे हो रॉक में डिफॉर्मेशन हो जाना चाहिए, उसके साइज में शेप में कॉन्फिगरेशन में कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी चाहिए बिकॉज रॉक रिजिड है, वो मूव नहीं की, जितनी एनर्जी आपने स्पेंड करी उसको पुश करने में उतना ही रिएक्शन आपकी बॉडी पे जो है रॉक ने दिया, उस रिएक्शन की वजह से आपके मसल्स आपका बॉडी का पार्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट विल बी अंडर स्ट्रेन और आपकी बॉडी हीट अप हो जाएगी और आपकी मस्कुलर एनर्जी
हीट की फॉर्म में वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. दिस इज हाउ वी आर टू एक्सप्लेन दिस बेटा. प्रॉब्लम नंबर 9 डियर चिल्ड्रन. सम हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ. नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड 250 हैं. सम हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द मंथ. हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जाउल्स बेटा. ये एनर्जी कितने जाउल्स में कितनी है. तो वैसे तो ये आपके अभी है नहीं है सिलेबस का पार्ट आई थिंक. इतने यूनिट्स हैं तो फिर भी आपको हमने करवाया हुआ है. इसका मतलब है ये 250 किलो वॉट आर के बराबर की एनर्जी को हमने बोला था. इसके जब आप बनाओगे जाउल्स 250 3.6 10^6 जाउल्स कल आप कर रहे थे ये सारे का सारा. तो अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लीजिएगा जितना भी आता है. प्रॉब्लम नंबर 10 बेटा. क्वेश्चन नंबर 10 इसको कंप्लीट करिएगा खुद. ऐसे इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना आपने. कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ा जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 10. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 केजी इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड. मास किसी ऑब्जेक्ट का 40 केजी है. इसको 5 मीटर तक लिफ्ट किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में. और अभी क्या चाहिए. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी. इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. दिस इज नीडेड. सेकेंडली इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ वे डाउन आपको निकालनी है. ये आपका क्वेश्चन है. आइए ब्रीफली बात करें इसके बारे में. मैं हिंट दे देता हूं आपको. आप इसको फिर अपने अकॉर्डिंगली फुली सॉल्व करके लिख लीजिएगा. सो बेटा पोटेंशियल एनर्जी टॉप पे MgH के बराबर होगी. मास 40 केजी है. G 10 ले लो. H 5 मीटर आपको दिया गया है. तो ये आपका 2000 जूल्स के बराबर का टोटल एनर्जी आ गया. जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आपने ड्रॉप कर दिया है हाफ वे डाउन. इसकी हाइट जो है हाफ वे डाउन हाइट h ये बेटा 5/2 मीटर्स के बराबर की रह जाएगी. और हाफ वे डाउन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए MgH करके. m आपका 40 G 10 h 5/2 ये आ गया आपका 2 5s are 10 और 1000 जूल्स के बराबर आ गया टोटल एनर्जी. 2000 जूल्स आपने निकाल रखी है. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी कर दीजिए. इट विल बी अगेन 1000 जूल्स. सो इन दिस वे आप अपने ऑब्जेक्ट की जो ये एनर्जी है इसको वर्कआउट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को. आपको जो उन्होंने हाफ वे डाउन कहा हुआ है. इन एडिशन टू दिस एक पार्ट मैं अपनी तरफ से आपको कह देता हूं कि इस पॉइंट पर आप अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालिए हाफ वे डाउन. जब वो मूव कर रहा है आधा रास्ता नीचे आ चुका है. आधे रास्ते में आकर उसकी वेलोसिटी कितनी है ये खुद निकालिएगा. 1/2 Mv² काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है. ये 1000 जूल्स के बराबर है. इसको सॉल्व करके वी खुद निकाल लीजिएगा बेटा. इतना काम आपने जरूर कर लेना है. राइट बेटा. बेटे हो जाएगा सारे स्टूडेंट्स. आवाज नहीं आ रही ना कोई आपका मैसेज आ रहा है. वेरी गुड वेरी नाइस गुड 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 वेरी गुड. टेंथ के बाद प्रॉब्लम नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ. जस्टिफाई योर आंसर बेटा. जब बेटे आपका सैटेलाइट अर्थ के राउंड अबाउट मूव कर रहा है आपको वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है. बेटे ये अर्थ है. इमेजिन कर लीजिए अर्थ के राउंड अबाउट जब सैटेलाइट यहां से स्टार्ट हुआ मान लो मूव करना
और मूव करते 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 ये वापस वहीं पर आ गया। अब क्योंकि वर्टिकल मोशन कोई नहीं है, ये आपका अर्थ है, ऐसे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो इस केस में वर्क डन जो है दैट विल बी जीरो, बिकॉज सैटेलाइट वर्टिकली कोई डिस्टेंस इसने मूव नहीं किया, और अदरवाइज भी डिस्प्लेसमेंट जीरो ही है इसका। और आप ये कह सकते हैं बेटा कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपके फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। ये अर्थ है ना आपका, सेंटर पे आपने लिया, ये सैटेलाइट है, इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर एक्ट कर रही है, तो ये एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा, एंड वर्क डन विल बी एफ एस कॉस 90 एंड इट विल ऑब्वियसली बी बेटे जीरो। प्रॉब्लम नंबर 12, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पे। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, थिंक डिस्कस द क्वेश्चन। रिपीट कर रहा हूं कि कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, जस्टिफाई योर आंसर बेटा। हाँ जी बेटे, एनी पॉइंट, एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड। वो कह रहे हैं कि फोर्स नहीं एक्ट कर रही है। हाँ जी धीरेन कुछ कहना चाहता है, यू आर अनम्यूटेड बेटा, बोलिए। सर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। हाँ जी। जैसे अगर हम एक बाइसाइकिल चला रहे हैं और उस पर हम अपनी मस्कुलर एनर्जी लगाते हैं, सर अगर हम थोड़ी देर के लिए पेडल करना छोड़ दें तब भी वो चलती रहेगी कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी? यस सर। हाँ जी बेटे, आप शायद ठीक कह रहे हैं। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ बेटा। क्वेश्चन सेज दैट बेटे, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, थिंक डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। तो आपने एग्जांपल दिया है, उन्होंने कहा है कि ये इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ द फोर्स जो है होगा कि नहीं होगा। इस केस में बेटे एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोर्स आपका एफ जीरो के बराबर है। आप अच्छे से जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, और एफ इज इक्वल टू एम इंटू बी माइनस यू बाई टी भी होता है। और डियर चिल्ड्रन आप लिख सकते हैं एम इंटू बी माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो। बच्चों मास तो जीरो है नहीं, बी माइनस यू बाई टी मस्ट बी जीरो, b minus u must be zero, b must be equal to small u. Initial velocity जो है object की वो final velocity के बराबर ही रहेगी इस केस में, तब जाकर आपका जो है in the absence of the external force जो displacement है वो देखने को मिलेगा। So मैं एक बार फिर से आपको बेटे गाइड कर दूं, yes in the absence of any force on the object there will be displacement because mass is zero, acceleration is zero. In such a case, the object is either at rest beta or it is moving with the same velocity or the constant velocity. कोई change? Yes, बेटे बिल्कुल ठीक, uniform आपने लिख दिया word. Nice बेटे. So uniform वाला ही case है बेटा, ये uniform speed वाला ही case है. आइए आगे चलें dear children. इसके बाद हमारे पास बेटा बात आ जाती है जी, लेट अस फोकस अपॉन द नेक्स्ट पॉइंट। प्रॉब्लम नंबर 12 आपका हो गया जी। प्रॉब्लम नंबर 13 देखें, डिस्कस करें डियर चिल्ड्रन। ए पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स टायर्ड, हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर बेटा। किसी पर्सन ने अपने हेड पे कुछ लोड उठाया हुआ है, उन्होंने उस पर्सन ने कुछ वर्क किया है कि नहीं किया? यस बेटे, नो वर्क इज डन बिकॉज द पर्सन हैज टू अप्लाई फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, डिस्टेंस कवर्ड इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का आ जाता है, वर्क डन विल बी एफ एस कॉस 90, इट विल बी जीरो, नो वर्क विल बी डन बेटा। देन प्रॉब्लम नंबर 14 क्वेश्चन इज देयर।
क्वेश्चन सेज दैट बेटा एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट्स एंड हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स. 1500 वॉट इसकी पावर है, 10 आवर्स में कितनी एनर्जी यूज करेगा. एनर्जी पावर इनटू टाइम होता है. पावर 1500 वॉट है, इसके किलो वॉट बना लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका 15 किलो वॉट आर इतनी एनर्जी आपका जो है यूज कर रहा है. या इसको आप 15 यूनिट्स भी कह सकते हैं बच्चों, एक ही बात. 15 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड, राइट बेटा. बेटे क्लियर है सारे बच्चों को? देन कम टू क्वेश्चन नंबर 16. पहले 16 देख लीजिएगा, बाकी 15th वाला ऐसे ही है, कुछ नहीं उसमें, वो खुद करिएगा आप. क्वेश्चन नंबर 16, लेट अस फोकस अपॉन दिस क्वेश्चन. क्या कहता है ये क्वेश्चन जी, आइए देखें. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी. हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट. कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आपको कितना वर्क करना पड़ेगा. बेटे वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है ये भी v के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी ये भी v के बराबर है. आप जानते हैं कि इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस ऑब्जेक्ट बेटा आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ये काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है, अगर हम निकाल लें, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 इनटू मास इनटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. अब डियर चिल्ड्रन, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कोई नहीं आ रहा, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी से ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो आपका वर्क डन जो है इट मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस मूविंग ऑब्जेक्ट बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो अब आपका जो वर्क डन W है दैट मस्ट बी इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इसकी इतनी है, राइट बेटा. देन इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 17, लेट अस फोकस अपॉन दिस बेटा. कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 किलोग्राम मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर. 1500 किलोग्राम कार का मास है और ये 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, इसको रोकना है, कितना वर्क किया जाएगा ये चाहिए. इसके पहले मीटर पर सेकंड बनाइए, 60 × 5/18 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, मास आपके पास है, वर्क डन is 1/2 m v square minus u square. Work done is equal to change in the kinetic energy. Directly सारी values put कर दीजिए, आपके पास result आ जाएगा बेटा. So with this बेटा काफी आपका exercise हो गया है, छोटे छोटे एक दो points रह गए हैं, फिर अभी मैं वो continue नहीं करूँगा, आपका time हो गया है break का. So dear children with this thank you all, जो छोटा मोटा रह गया है फिर बाद में कर लेंगे. Thank you all बेटे.